हाय, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बनाएंगे आम की रोल आइसक्रीम। आजकल आम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मार्केट में, बहुत मीठे मीठे रसीले आम आए हुए हैं, तो हम आज रोल बनाएंगे। आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे आसान तरीके से मैंगो आइसक्रीम बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत लाजवाब है। आप लोग भी बना के खाएं और इंजॉय करें। तो देखते हैं हमें आम रोल बनाने के लिए क्या किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने 4 आम ले लिए हैं। ये आम बहुत ही टेस्टी और रसीले आम है। और ये 7 ब्रेड स्लाइस ले ली हैं, 1 कटोरी चीनी ली है और 1/2 लीटर दूध लिया है। दूध ये मैंने बॉईल कर रखा है, ठंडा हो चुका है अभी। चलिए दोस्तों बनाते हैं मैंगो रोल, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। हमेशा यही कहेंगे कि मम्मी यही बना के खिलाओ, और अपने दोस्त फ्रेंड्स को भी और अपने मेहमानों को भी, जो कोई घर में आता है उनके बना के खिला सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है और इंजॉय करें गर्मी में ठंडे ठंडे मैंगो रोल। चलिए दोस्तों बनाते हैं मैंगो रोल। सबसे पहले हम ये जो मैंने ब्रेड लिए हैं इसके स्लाइस लेके, और इसके ये बाहर से कोने हैं इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल वाइट कलर की आइसक्रीम चाहिए, फलूदार रबड़ी सी बनेगी, जो कि इसके ये हटा देंगे, नहीं तो इसमें ब्राउन कलर आएगा जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हम सारे स्लाइस की कोने निकाल लेंगे। अच्छे से निकाल लें इनको काट के। और ये रेसिपी बहुत झटपट बनके तैयार हो जाती है, आप लोग वैसे बना के खा सकते हो घर में। ये मैंने इनके साइड सारी निकाल ली हैं सभी ब्रेड्स की, और इनको सुखा के हम ब्रेड क्रम बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे डिशेज में काम आते हैं। तो मिक्सी के जार ले लेंगे और इन स्लाइस के छोटे छोटे टुकड़े करके हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, उसका बुरादा सा बना लेंगे पीस के। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, अभी मैं इनको पीस लेती हूँ और गैस चला के दूध को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो थोड़ा दूध गर्म होएगा, गैस को थोड़ा मीडियम रखेंगे। ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगी और हमारा ब्रेड क्रम्स ऐसे तैयार हो गया है। ये दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसी में ये डाल देंगे सारा। इसमें थोड़ा चिपका रह जाता है, तो अच्छे से निकाल लें इसको हाथ से। ये मैंने पूरा ब्रेड इसमें डाल दिया है। और इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी आप स्वाद के अनुसार डालें, अगर कम मीठा खाते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी और ज़्यादा डाल लें। ये 1/2 लीटर दूध है, तो मैंने पौना करीब करीब चीनी ली है। अब इसको हम पका लेंगे और ये बनके बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, एकदम से दानेदार आइसक्रीम बन जाएगी, रबड़ी जैसी आइसक्रीम। जैसे चीनी इसमें मेल्ट होएगी और फिर थोड़ा इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा, इस तरह से लगातार चलाते रहें। इसको हम मीडियम गैस पे चलाते रहेंगे, इसमें मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे और ये हमारी आइसक्रीम से बनके तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा दानेदार
और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हो चीनी जैसे ही मेल्ट हुई इसमें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे हम लोग। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये मैंगो रोल। आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, फिर आप लोग भी ऐसे घर पे बना के खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। इसमें मुश्किल से 3-4 मिनट लगे हैं और ये हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है आइसक्रीम सी। इसमें आप लोग स्वाद के अनुसार ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, जो कुछ भी आपको पसंद है, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, नारियल, जो कुछ भी आप लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद है वो काट के छोटे छोटे टुकड़ों में वो भी डाल सकते हो। लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ, मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। मेरी गाढ़ी हो गई है आइसक्रीम, तो इसको मैं गैस को कर देती हूँ बंद, क्योंकि ठंडी होएगी तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, जो कि हमें मैंगो में फिल करनी है। गैस को कर देते हैं ऑफ और इस तरह से आप लोग देख सकते हो बिल्कुल पास से कितनी गाढ़ी, ये ठंडी होएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैं हवा में रख देती हूँ जिससे कि थोड़ा जल्दी ठंडी हो जाए और हम आम की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने पंखे की हवा में रख के ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद आप लोग देखो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये लिक्विड, जो कि हमें मैंगो के बीच में फिल करना है। तो ये एक साइड रख देते हैं, ठंडा कर लिया है मैंने। और हम आम ले लेंगे। ये मैंने 4 गिलास भी ले लिए हैं, क्योंकि ये आम हमने काट के ही में रखने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आम लेके उसकी यहाँ से कैप निकाल लेंगे, गुलाई में काटते हुए सावधानी से निकालें, चाकू थोड़ा शार्प ही लें जिससे आसानी से कट जाए। इस तरह से और ऐसे पैना चाकू लेते हुए, जो बहुत ही शार्प होना चाहिए, और गुठली के चारों तरफ ऐसे इस चाकू को अंदर तक थोड़ा ध्यान से करें, हाथ में ना लगे, सावधानी से निकालें इसको। हमें यह आम की गुठली निकालनी है, तो थोड़ा सा ये इसमें रस निकलेगा क्योंकि हम कट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हाथ में लगेगा इस तरह से। चाकू को गुठली के चारों तरफ घुमाएंगे, बाहर की परत नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, तो आसानी से गुठली निकल जाएगी हमारी। ड्रेस को ध्यान से निकाल लेंगे ऐसे हम। अपने हाथ का भी सेफ्टी रखें, कभी हाथ में ना लगे चाकू, क्योंकि बहुत पहना होता है। इस गुठली को घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। बस बाहर की परत ना कट पाए इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से हमारी गुठली
बाहर निकाल लेंगे। और जी हमारा ये बन गया है आम का पॉकेट सा, इसमें हम ये लिक्विड ऐसे फिल कर लेंगे, पूरा भर लेंगे इसको। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। इसको पूरा ऊपर तक भर लेंगे। मैंने इस तरह से पूरा भर लिया है और ऊपर इसकी ये कैप लगा देंगे जो हमने उतारी है, इसको ऐसे सेट कर देंगे और इसको ग्लास में जमने के लिए 6-7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे इस तरह से। जब ये जम जाएंगी फिर मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ। ये सारी और भी फिल कर लेती हूँ। ये मैंने चारों आम को काट के इस तरह से बीच में डाल के फिल कर लिया है और इसको तकरीबन 7 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। तब जम जाएंगी फिर मैं आप लोगों को काट के दिखाऊंगी। कैप मैंने इसके ऊपर ही लगा दी है, जब काटूंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह से ये मैं फ्रीज़र में लगा देती हूँ और हमारा ये लिक्विड बच गया है। तो जहाँ हमने गुड़लियाँ निकाली थी इसके चारों तरफ भी आम का पल लगा हुआ है, तो इनको भी छोटे छोटे स्लाइसेस इसमें काट के इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारी मैंगो आइसक्रीम छोटे छोटे मैंगो के डाइस वाली बहुत तो अच्छी जम के तैयार हो जाएगी। इनको सारे को मैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें मिक्स कर देती हूँ, जो कि भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। पूरा पल्प निकाल देती हूँ मैं इसमें चाकू से ऐसे, जिससे इसका कलर भी ऑरेंज आएगा और जब आम के पीसेस मुंह में आएंगे तो वो भी खाने में बहुत स्वाद लगेगी। तो इस तरह से दो तरह की आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा मैसी काम है, हाथ थोड़े गंदे होंगे, पर ये सब करने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ही। और आम की बहुत ही मीनी मीनी खुशबू आ रही है। मैं चारों गुठलियों के सारा पल बीच में निकाल लेती हूँ। इसको फेंक के वेस्ट ना करें, ये भी यूज़ में लें, पूरा निकाल लें इसको चाकू को घिसते हुए। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी, जिसमें कुछ मैंगो के पीसेस हैं जो मुँह में आए खाओगे तो मुँह में आएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। जो हम बाहर की आइसक्रीम खाते हैं उससे तो अलग दर्जे अच्छी है घर की आइसक्रीम, क्योंकि हमें पता होता है हमने क्या डाला है, साफ़ सफाई से बनी होती है और टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगता। सीजन में आम आए हुए हैं तो आम की ढेरों रेसिपी बनती है जो बना के घर में खाएं और एंजॉय करें। इसलिए मैंने सारी गुठलियों से पल्प निकाल लिया है चाकू की मदद से। हाथ को पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था हैंड वॉश से। एक मिनट में हैंड वॉश कर लेती हूँ फिर इसको मिक्स करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने पल्प मिला लिया है इसमें। इसमें कुछ बड़े बड़े पीसेस भी हैं और इस तरह से कांच के ग्लास ले लेंगे और हम इनमें फिल कर लेंगे। ये थोड़ा जल्दी जम जाएगी, इसको रात को ही खा सकते हैं जब जम जाएगी तो। हम लोग चार जने हैं तो मैंने चारों के लिए
इस तरह से गिलासेस में डाल के ये थोड़ा बिखर गया है, इसको साफ कर लेती हूँ मैं पहले। इनको भी मैं फ्रीजर में लगा दूंगी, ये बहुत जल्दी जम जाएगी। इस तरह से हमारी दो तरह की आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। ये ग्लासेस में 6-7 घंटे लगेंगे, जैसे ये तकरीबन 3-4 घंटे में जम जाएगी। तो जब जम जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हमारी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से जम गई है, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी जमी है। ये आम की भी अभी मैं इनको छील के दिखाती हूँ और इनको ऐसे ही खा लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले, बिल्कुल प्लेन रखी है। अभी मैं इनको छील के दिखाती हूँ आप लोगों को, इनको हम ऐसे ही खा सकते हैं। एक साइड में रख देते हैं इनको, और गिलास से मैंगो हमारा बिल्कुल अच्छे से जम गया है। इसको हम छिलका छील लेंगे। बहुत आसानी से छिलका छिल जाता है। बहुत अच्छे से जम गई हमारी आइसक्रीम। अभी इनके हम पीसेस काट लेंगे। इस तरह से हमारी आइसक्रीम ये रोल बन गए हैं आइसक्रीम के, और हम एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी में बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम, इस तरह से बना के आप सब भी खा सकते हो। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Bye bye everyone, take care.